जो एज ए दर्शक जो फिल्म देखते हैं मनोरंजन के लिए देखते हैं, वही लोगों को मनोरंजन के लिए देखना चाहिए फिल्म को। रही ये करणी सेना वर्णी सेना, ये क्या है करणी सेना, कौन सी करणी सेना, कहाँ से आ गई करणी सेना, क्या करा इन्होंने देश के लिए, क्या करते हैं देश के लिए, बस ये फूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं फालतू का। लोगों को फिल्म नहीं देखना चाहते। देखिए इतने सारे लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं, क्यों नहीं देखेंगे फिल्म? हमने एक बार देखी, 10 बार देखेंगे फिल्म? जो करना है कर लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और आप है पिंक विला हिंदी पर। कॉन्ट्रोवर्सी का दूसरा नाम है पद्मावत। रिलीज से पहले ही ये फिल्म चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन रिलीज के बाद ये फिल्म हॉट टॉपिक बन चुकी है। खैर, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि पद्मावत उनको कैसी लगी। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है। अगर राजपूत लोग ये फिल्म देखेंगे तो दिल फील मोर प्राउड अबाउट इट। मुझे बहुत पसंद आई, सबका काम बहुत पसंद आया, रणवीर सिंह का, शाहिद का, दीपिका का, एंड आई एम प्राउड टू बी अ राजपूत यार। राजपूतों का जो शान दिखा है, जो करनी सेना जो बोल रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली उनको सबसे पहले उनको देखनी चाहिए फिल्म। फिल्म वॉज वेरी गुड। मूवी बहुत अच्छी है, बहुत कलात्मक मूवी है। संजय लीला भंसाली ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। एवरेज मूवी है। यू नो दीपिका, रणवीर सिंह एंड शाहिद कपूर जोड़ी बहुत अच्छी है। रणवीर सिंह और दीपिका की अच्छी, बट इसमें तीनों ने बहुत अच्छा रोल किया है और मूवी बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो शायद ऐसी मूवी अगर आप थिएटर में नहीं देखोगे ना तो आप काफ़ी सारा मज़ा मिस कर जाओ। स्टोरी में कुछ खास नहीं है, जो आप सबको बताया वही है, इट्स नथिंग न्यू, बट हाँ विजुअली इट इज़ ब्यूटीफुल। विजुअल्स वाज टू गुड, इट वाज अ बिट लेंथी बट इट वाज अ वेरी गुड मूवी। और फिल्म को फिल्म की तरह से लेना चाहिए, इस पर इतना बवाल नहीं करना चाहिए जितना लोगों ने बवाल मचा रखा है। क्यों बवाल मचा रहे हैं, किस लिए मचा रहे हैं, कि आपको मतलब सोचना चाहिए कि एक फिल्म है तो फिल्म के तरह लो ना उसको। और आप इतना बवाल कर रहे हो तो आपने देश के लिए क्या किया है? क्यों कर रहे हो बवाल, किस लिए कर रहे हो आप बताओ ना। आपने देश हित में ये इतने सारे काम करें कि मैं ये भी करके आया हूँ, मैं वो करके आया हूँ, बस ये तो कह सकते हो तो मैंने इस बस में आग लगा दी, मैंने उसको जला दिया, मैंने यहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। हम लोग देखते मनोरंजन के लिए हैं और मनोरंजन रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी फिल्म रही, काफी देख के मजा आया फिल्म को। ओवरऑल स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी मूवी है। ऐसी मूवी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी, मुझे तो इतनी अच्छी लिटरली इसकी तो आंखों में तो आंसू आ गए एंडिंग में। डेप्थ में बनाई गई है, स्टोरी लाइन को ध्यान में रखते हुए, सबकी एक्टिंग वाज मार्वेलस। इसमें इतिहास के से भी ज्यादा ऐसा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसमें गलत चीजें नहीं बताई है, एक्चुअली अच्छी चीजें बताई है। थोड़ा वो अलाउद्दीन खिलजी का बुरा रोल है क्योंकि, बट किसी की बुराई नहीं की गई है। फिल्म की स्टोरी में क्या खास लगा आपको? फिल्म में सबसे अच्छी जो रणवीर सिंह की एक्टिंग है वो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट है। और फिल्म में जैसे जिस तरह का राजपूत के बारे में बताया गया है, जैसे कैसे विवाद चल रहे थे, ऐसा फिल्म में कुछ नहीं है। राजपूत को लेकर जिस तरह का वो बताया गया है फिल्म में, वो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि मतलब फिल्म में जो स्टोरी मेन दिखाई गई है ना, रणवीर सिंह बिना पद्मावती को देखे उसके मोहब्बत में पागल हो गया है। सबसे अच्छी स्टोरी तो यही है। फिल्म को देखकर आपको कहीं पर भी ऐसे लगा कि राजपूतों के मान को ठेस पहुंची है? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहूंगा कि राजपूतों के मान को और ऊंचा दिखाया गया है। मतलब मुझे एक बार तो लगा कि मुझे भी जाना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा मतलब प्राउडिंग मोमेंट था। शाहिद ने बहुत अच्छे से निभाया राजपूत का कैरेक्टर और रणवीर सिंह ने भी अपनी जगह बहुत अच्छा किया, तो पसंद आई मुझे। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? 5 में से मैं तो 5 ही दूंगा यार। 4 8 9 10 5 में से 5 आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देंगे? आउट ऑफ 5 आई थिंक 4.5। सो गाइस, लोगों से तो हमने जान लिया है कि उनको ये फिल्म कैसी लगी। अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो आप भी हमें जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और पिंक विला हिंदी को सब्सक्राइब करिए।